हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये भंडारे वाले आलू, जो कि हम भंडारे में खाते तो ज़रूर है, पर हमें लगता है कि क्या ये सब्ज़ी हम घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आपके लिए लेकर यही रेसिपी। आइए शुरू करते हैं, बनाएंगे हम भंडारे वाले आलू। सबसे पहले हम पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम करेंगे। फिर उसमें हम ये दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा, 3-4 काली मिर्च, लौंग, और इस तरीके से हमें अदरक ग्रेट करना है। बहुत सारा अदरक डाला जाता है इस सब्ज़ी में, इसलिए आप ज़्यादा अदरक लीजिएगा। अब तेल गर्म होने पर हम उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, और ये हल्का सा तड़कने के बाद हम इसमें जो भी हमारे खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास तेज़पत्ता अवेलेबल नहीं था, इसमें तेज़पत्ता भी डलता है। इसके बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और ये सभी चीज़ों की वजह से ही भंडारे की सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है। ये 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने ले लिए हैं। फ्रेंड्स, ये 4-5 लोगों के लिए सब्ज़ी बन रही है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये टमाटर का प्यूरी हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा खड़ा मसाला हमें लगना चाहिए। अब इसे हम पकने देंगे मीडियम आंच पर, जब तक हमारे ड्राई मसाले रेडी कर लेते हैं। एक कटोरी में हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ड्राई मसाले को हमें इस तरीके से मिलाना है। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें आमचूर पाउडर ज़रूर डलता है, 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट ये ड्राई मसालों को हम टमाटर के प्यूरे में डायरेक्ट नहीं डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद क्या होता है, इनका सबका टेस्ट आपस में बैलेंस हो जाता है और मसाले जलते भी नहीं हैं। अब हमारा मसाला तो रेडी हो चुका है, तो हम टमाटर चेक कर लेते हैं, उसका प्यूरे पक चुका होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल ऊपर आ गया है, मतलब टमाटर पक चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप नॉन स्टिक की पैन यूज़ कीजिएगा, मैंने ये पैन यूज़ करी इसलिए थोड़ा थोड़ा मसाला तली में लग रहा है। ये देखिए, अब हम हमारा जो मसाले हैं उसको डाल देंगे इसमें। फ्रेंड्स, इसमें एक मैजिक मसाला है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो इसमें ज़रूर डलता है, उसकी वजह से ही हमें हलवाई जैसा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम हमें कम ही रखनी है। ये देखिए, मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। इसमें मेन जो रोल होता है फ्रेंड्स, वो अदरक और टमाटर, क्योंकि हम इसे लहसुन प्याज की तो बनाते नहीं हैं, फिर भी ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप किसी भी त्यौहार में जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उसमें बना सकते हैं। अब ये मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें उबाल लिया था। उन्हें हम इस तरीके से फोड़ के डालेंगे कि कुछ तो हमारे बारीक हो जाने चाहिए आलू, और कुछ इस तरीके से बड़े बड़े ही रहने देंगे। ये देखिए, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो ड्राई भी सब्जी खा सकते हो, लेकिन चूंकि हम पूड़ी के साथ इसे खाएंगे तो फिर इसे थोड़ा सा पानी वाला बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी आप अपनी चॉइस से डालिएगा, लेकिन 1 से 1.5 ग्लास सफिशियंट होता है फ्रेंड्स, और ये 5 लोगों के हिसाब से बहुत सफिशियंट होती है सब्ज़ी। ये देखिए, अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर पकाएंगे। और इसमें जो मैजिक मसाला बता रही थी वो है ये भुनी हुई सौंफ। फ्रेंड्स, सौंफ को आप पैन में हल्का सा भून लीजिए और उसे फिर दरदरा कूट लीजिए। आप इस सौंफ को
पाउडर के रूप में बना के आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप सब्ज़ी में इसे डालेंगे यही टेस्ट आएगा आपको हलवाइयों जैसे ही। अब हम इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, सब्ज़ी हमारी रेडी है। धनिया पत्ते से हम इसे गार्निशिंग करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं है ये, मतलब ग्रेवी जैसी भी लग रही है। और फ्रेंड्स आप इसमें अगर कश्मीरी मिर्च यूज़ करेंगे तो इसका कलर और ज़्यादा निखर कर आएगा। अब धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। उसके बाद देखिए हमारी सब्ज़ी का कलर और टेक्सचर कैसा होता है, तो आइए चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।